दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई ऐसे सेलेब्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री के अंदर ही अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढा और फिर उनके साथ शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन ये बात बेहद ही कम लोगों को पता है कि बी टाउन में ऐसे कई स्टार्स भी हैं जिन्होंने इंडस्ट्री के बाहर के लोगों से शादी की है। तो चलिए आपको ऐसे ही कुछ सेलेब्स के बारे में बताते हैं जिन्हें अपना प्यार किसी एक्टर या एक्ट्रेस में नहीं बल्कि किसी और में मिला, जो कि स्टार्स जितने फेमस भी नहीं थे। आयशा टाकिया। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर वन पर नाम आता है बॉलीवुड में अपनी चुलबुली हंसी और कातिलाना अदाओं से जलवे बिखेर चुकी एक्ट्रेस आयशा टाकिया का। बॉलीवुड में आयशा टाकिया ने कई सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन जब वो अपने करियर की बुलंदियों पर पहुंची तब उन्होंने बिजनेसमैन फरहान आजमी से शादी कर ली और शादी करने के बाद आयशा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री से अलविदा भी कह दिया। लेकिन शादी के बाद अपनी लिप सर्जरी को लेकर आयशा टाकिया ने खूब ज्यादा सुर्खियां भी बटोरी। रवीना टंडन। इस लिस्ट में नंबर दो पर नाम आता है लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस रवीना टंडन का। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के साथ रवीना काफी वक्त तक रिलेशनशिप में भी रही, लेकिन उनको अपना असली प्यार मिला फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी में। रवीना टंडन ने साल 2004 में अनिल के साथ शादी की थी। दोनों ने उदयपुर के जगमंदिर पैलेस में पंजाबी रीति रिवाज से शादी की। ईशा देओल। इस लिस्ट में नंबर तीन पर नाम आता है बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल का। आपको बता दें कि ईशा देओल ने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें उनका सच्चा प्यार किसी बॉलीवुड एक्टर में नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, 29 जून 2012 में मुंबई के एक बिजनेसमैन भरत तख्तानी से ईशा देओल शादी के बंधन में बंध गईं। फिलहाल कपल की दो बेटियां राध्या और मिराया हैं। शिल्पा शेट्टी। इस लिस्ट में नंबर चार पर नाम आता है बॉलीवुड की फिटनेस फ्रीक और गॉर्जियस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का। आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा से 22 नवंबर 2009 में शादी की है। शादी के बाद दोनों ने उस वक्त फिर से सुर्खियां बटोरी जब कपल ने मिलकर आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स को खरीदा। उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि राज कुंद्रा हर साल $100 मिलियन कमाते हैं। माधुरी दीक्षित। इस लिस्ट में नंबर पांच पर नाम आता है बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का। वेल दोस्तों, माधुरी दीक्षित का नाम सबसे पहले बॉलीवुड के बाबा यानी कि संजय दत्त के साथ भी जुड़ चुका है, लेकिन जब माधुरी दीक्षित ने भारतीय मूल के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्री राम माधव नैने से शादी करने का फैसला किया तो उनके इस फैसले ने लाखों दिलों के सपनों को तोड़ दिया। माधुरी ने डॉक्टर श्री राम नैने से 17 अक्टूबर 1999 को अमेरिका में शादी कर ली। शादी के बाद माधुरी अमेरिका में ही सेटल हो गई थी और फिर कुछ समय बाद वो भारत आई। फिलहाल उनका एक बेटा रियान नैने और एक बेटी अरिन नैने है। जूही चावला। इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है बॉलीवुड की खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेत्री जूही चावला का। दोस्तों, जूही चावला ने साल 1995 में बिजनेसमैन जय मेहता के साथ शादी की। जूही और जय मेहता ने हमेशा कहा कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी गुपचुप शादी की खबरों ने सभी को हैरान कर दिया था। हालांकि इस कपल ने आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते की अनाउंसमेंट उस वक्त की थी जब वो अपनी बेटी के होने की उम्मीद कर रहे थे। फिलहाल कपल के एक बेटा और एक बेटी है। तो दोस्तों, देखा आपने कि बॉलीवुड की इन खूबसूरत अभिनेत्रियों ने किसी सुपरस्टार से नहीं बल्कि बिजनेसमैन और डॉक्टर से शादी की है। वेल, इस बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।